हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे अपने एग्जाम्स की, चाहे वो आर ओ का पेपर हो, चाहे वो ए पी एस का पेपर हो। ए पी एस के पेपर से याद आया, अगर आप लोगों ने देखा हो तो ए पी एस के फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने फिल किए हैं, ठीक है। और मतलब आई वॉज इवन सरप्राइज टू सी दैट नंबर। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम रिवील करूँगी और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आर ओ एग्ज़ाम में कितनी भीड़ जुटने वाली है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो मिनिमम टाइम है उसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो ये आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसके बारे में मुझे बहुत बच्चों की मेल्स आई, और जो मेरा पेड मेंटोरशिप ग्रुप चल रहा है उसमें भी बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने इसी चीज़ पे बोला कि दीदी आप इस पर बनाइए, मैम प्लीज़ इस बात पर बनाइए, वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आपको आउटपुट निकालना है मिनिमम टाइम में से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या है, किसी ना किसी चीज़ों में इंडल्ज ही रहते हैं। 2400 घंटे तो कोई भी आदमी पढ़ नहीं सकता, लेकिन जितना टाइम हम पढ़ रहे हैं वो टाइम पूरा का पूरा हमारा स्टडी में यूटिलाइज होना चाहिए। और उसके अलावा हम अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी टाइम निकाल पाएँ, ठीक है, कहीं भी थोड़ी बहुत भी कटौती कर पाएँ, है ना, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप 1-1 रुपये भी रोज़ जमा करेंगे ना तो 365 रुपये साल भर में आप जमा कर सकते हैं। तो 365 रुपये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक जियो का रिचार्ज करवाने के लिए भी सफिशेंट होता है। तो सोचिए 1 रुपये की उतनी कीमत है। इसी तरीके से 1 सेकंड, 1 मिनट और 1 घंटे की बहुत अहमियत होती है, जस्ट लाइक 1 मार्क की बहुत अहमियत होती है किसी भी एग्ज़ाम में आपको पास या फेल करवाने के लिए, ठीक है। सारी की सारी मेहनत आपकी वहीं पे डू हो जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है जब आपको दिखता है कि नहीं, आपका आधे नंबर से या 1 नंबर से उस लिस्ट में आपका नाम नहीं रहा, ठीक है। तो वो फीलिंग आपको ना आए आर ओ के एग्ज़ाम में। टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर हम आज से भी तैयारी करें, नवंबर से मैं वीडियो लाऊंगी कि नवंबर मंथ से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो भी आपका कैसे आर ओ एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है, उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगी। कल की कल मैं लेके आती हूँ उस चीज़ को, एंड आई होप आज आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देख ली होगी। वो शॉर्ट वीडियो भी मैंने इसी मोटिवेशन के तर्ज पर डाली थी कि कभी कभी आपको अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ना। जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वैसे ही फैमिली की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। उन बच्चों से पूछिए जो अनाथ होते हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है उनको देख रेख करने वाला। तो माँ बाप चाहे कितना भी डांटें, कितना भी आपको कुछ भी सुनाए ना, ठीक है, उसमें आप उनकी डांट में हमेशा आपकी भलाई छुपी हुई है, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो टचवुड, मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव हैं, एंड आई होप आप सबके भी होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत भी जिन भी लड़कियों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम लास्ट अटेम्प्ट ही है, पेरेंट्स शादी करवा देंगे, ऐसा ये वो, पेरेंट्स ऐसे नहीं हो सकता कि वो बात ना सुने, बात ज़रूर सुनते हैं। आप प्लीज़ एक बार उनको तसल्ली से बैठ के बताइए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। शादी की एज ज़रूरी नहीं कि आपका वही एक चीज़ मैटर करती है। हाँ, पेरेंट्स को लगता है कि लड़कियाँ जिम्मेदारी होती है ना, उनको जल्द से जल्द उनको अच्छे घर में विदा कर दें हम जब तक ठीक हैं। पेरेंट्स को भी अपनी हेल्थ की चिंता रहती है ना, तो उन्हें ये चीज़ रहती है। आप इस चीज़ को मत सोचा करिए कि आपके ऊपर आपको वो बर्डन मान रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, ठीक है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगी, ठीक है, आपको कैसे बात करनी है। आपके पेरेंट्स समझेंगे, ज़रूर ज़रूर समझते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कैसे उनसे बात कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें, कैसे आप अपनी टेंशन उनके साथ आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी की वीडियो है टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला केस है वर्किंग प्रोफेशनल्स का। मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, आई एम गवर्नमेंट ऑफिसर। तो मेरी तरह जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, पहली चीज़ हम लेके चलेंगे जिनको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है। मेरे मेडिकल इश्यूज़ हैं, मैं अपनी बात बाद में बताऊंगी। मेडिकल इश्यूज़ वाले बच्चों को तो कैसे टाइम निकालना पड़ता है, वो भी जो नॉर्मल बंदा है, बिल्कुल परफेक्टली फिट एंड फाइन ही और शी इज़, उनको टाइम कैसे मैनेज करना है। सपोज़ मान के चलते हैं आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, पहला केस मैं लेके चलती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मान लीजिए आपकी 10 से 5 बजे तक की होती है, ठीक है, डेस्क जॉब होती है, 10 से 5 का टाइम आपका वहाँ पे है। आपने क्या करना है, घर आप आ गए 6-6:30 बजे तक। मैं ये केस मान के चल रही हूँ कि दिल्ली में आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड है, मैं ये मान के चल रही हूँ, मेरे मोस्टली फ्रेंड्स उसी में है। CSS में आप पोस्टेड है, ठीक है। अब जो आर्मी में ऑफिसर्स होंगे वो तो आएंगे नहीं आर ओ का पेपर देने के लिए। CSS वाले बच्चों की इसलिए बात बता रही हूँ कि मेरी खुद एक फ्रेंड ASO है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है, CSS में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, बट उसको आना है बिकॉज वो लखनऊ से ही बिलोंग करती है, ठीक है, तो वो दिल्ली में नहीं अपना सोच पा रही है, तो उसको आना है। ऐसे ही बहुत बच्चे हैं जिनको होम पोस्टिंग चाहिए, वो दोबारा दोबारा SSC का पेपर देते रहते हैं, इवन चाहे उनको DA वाली जो डिविजनल अकाउंटेंट है वो पोस्ट मिल जाए, बट उनको घर के पास रहना है। तो घर के पास बहुत बच्चों को रहना, जैसे मेरी प्रायोरिटी है, मेरी हेल्थ नहीं सही रहती, मेरी मॉम की भी तबीयत सही नहीं रहती है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना, ये मेरी प्रायोरिटी है। तो इसलिए आर ओ का पेपर बहुत बच्चे दे रहे हैं। तो मान के चलते हैं 5 बजे आपका टाइम खत्म हुआ, 6:30 बजे तक आप घर पर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद आप 1 घंटा ले लीजिए अपने लिए रेस्ट को, खाना वाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, 7:30 बज गए। अब 7:30 से आप बैठिए, 7:30 से आप 12:30 तक भी पढ़ें तो भी 5 घंटे होते हैं,
अंडरस्टूड माई पॉइंट. 5 घंटे ये आपने सीधे सीधे निकाले, उसके बाद सुबह आप जल्दी उठ जाइए. 12:30 बजे आप सो गए तो 5:30 घंटे की नींद सफिशियंट है. मैं तो और कम सो रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी जॉब तो बहुत हेक्टिक है, मुझे 5 बजे नहीं छुट्टी मिलती होती थी, ठीक है. तो सीधी सी बात, यहाँ पे सिनेरियो कि आपका 5 घंटे आपने 7:30 से 12:30 के बीच में निकाल लिए, 5 घंटे आपको मिल गए, 12:30 बजे आप सो गए, 5:30 बजे आप उठ रहे हैं, ठीक है. आधा घंटा अपना फ्रेश हो गए, आधा घंटा और ले लीजिए, योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, 6:30 हो गए, ठीक है. आप 6:30 से आपको पढ़ना है मिनिमम, नहीं तो 8:15 तक पढ़ लीजिए, ठीक है. 8:30 बजे आप घुस जाइए, नहाने चले जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, 10 बजे तक आपको ऑफिस पहुंचना है. तो 5 घंटे उधर पढ़ लिए, 2 घंटे सुबह निकाल लिए, 7 घंटे हो गए. 7 घंटे बहुत होते हैं. इवन लोग बोलते हैं कि जो आप घर पे भी रह के तैयारी कर रहे हैं ना, जिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं है, ठीक है, घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, वो भी 8 घंटे उनको बोला जाता है कि 8 घंटे दे दो तो सफिशिएंट है. तो आप सोचिए, आप जॉब के साथ अगर 7 घंटे दे पाएँ तो बहुत बड़ी बात है. 7 घंटे नहीं भी निकल रहा है, 5 घंटे आपने दे दिए तो भी बहुत है, ठीक है. ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की बात. स्टेट गवर्नमेंट में भी उतना ही वर्कलोड है, कोई इतना नहीं है. जैसे जो टीचर्स वगैरह हैं वो तो अपने टाइम से आ ही सकते हैं, वो तो और टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है. ये टाइम टेबल मैं बता दूंगी कैसे क्या है, मैं अपना रणनीति बता दूंगी, अपनी टाइम टेबल. ये वीडियो वैसे ही लंबी हो जाएगी अभी टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में, ठीक है, तो मैं बाद में बता दूंगी. अभी अभी के लिए बस इतना समझिए, ठीक है. तो ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट वाले अपना डील कर सकते हैं, वो भी अपना टाइम टू टाइम आ जाते हैं. टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अपना टाइम टू टाइम आ जाते हैं, तो कोई उनको दिक्कत वाली बात नहीं है. मेन मुद्दा आता है PSUs, जैसे हम लोग हैं, ठीक है. PSUs वाले भेल हो गई, सेल हो गई, ठीक है, गेल हो गई, आपके बैंक्स हैं, ठीक है, PSUs बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, HAL वगैरह, ठीक है, ये PSUs हैं. इनकी जॉब काफ़ी हेक्टिक होती है, ठीक है. इनका टाइम आजकल कुछ रह नहीं गया है. जैसे मुझे काफ़ी बैंकर्स के आ रहे थे, मुझे मैसेजेस वगैरह काफ़ी बैंकर्स के आए हैं, ठीक है, कि मैम आप बैंक का आप हमारा प्लीज़ समझिए, ऐसे टाइम है, हमको कैसे करना है, क्या नहीं करनी है, सारी चीज़ें. चांदनी मैम है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं, ठीक है, उन्होंने भी मुझे यही पर्सनली मैसेज किया था कि मेरे को मतलब नहीं, बिकॉज बैंक में इस टाइम पे बहुत प्रेशर है, रात रात के 9 बज जाते हैं वापस घर आने में, ठीक है, है मैं मानती हूँ. तो आपको क्या करना है, जब आप बीच का लंच टाइम आपको मिल रहा है ना, बीच का लंच टाइम, आप उसमें से टाइम निकालिए, ठीक है, उसमें से टाइम निकालिए, और रात के 9 बजे वाला शेड्यूल बंद करिए. ये आपकी हेल्थ के लिए भी बर्बाद ही कर देगा. आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आप बैंक में क्या, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाओगे, ठीक है. मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो प्रेशर झेल के ही मेरी हालत ये हो गई, ठीक है. अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उतना प्रेशर अपने दिमाग से निकाल दीजिए. आप नहीं रहोगे ना, जिस दिन आप चले भी गए ना इस दुनिया से, तो भी अगले दिन वो सीट फिल हो जाएगी, ठीक है. तो अपने आप को स्ट्रिक्टली, अगर आप 10 बजे पहुँच रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आपको 7 बजे तक हर हालत में छोड़ ही देना, हर हालत में छोड़ना, ठीक है. 7 बजे बहुत टाइम होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत टाइम होता है, तो आपको निकल ही लेना है. 9 से 10 घंटे की ड्यूटी से ज़्यादा ड्यूटी करने का कोई प्रावधान है नहीं. वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बंधुआ मजदूरी ही चल रही है, ठीक है. फॉरेन कंट्रीज़ में देख लीजिए, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को, आदमियों को ना ट्रेजर करके रखा जाता है. हम लोगों को यहाँ पे कोई ट्रेजर करके नहीं रखता है, यहाँ बंधुआ मजदूरी है. मजदूर का भी टाइम फिक्स होता है, दिहाड़ी उसकी फिक्स होती है कि 5 बजे के बाद काम नहीं करना, लेकिन हम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो गए बंधुआ मजदूर ही हैं, ठीक है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है ना. जब तक मर्जी तब तक इनको रगड़ाते रहो, वही वाला हिसाब किताब चल रहा है. तो वो आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा. 9 बजे आप आएंगे, उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि दिमाग फट जाएगा. बात आ रही मेरी समझ में. हर हालत में 7 बजे का कोशिश करिए कि 8:15 तक आप घर पे आ जाएं, 9 बजे आप पढ़ने बैठ जाएं. 9 बजे से आप पढ़ने बैठते हैं तो 9 से 12 1 बजे तक 4 घंटे आपके यहाँ निकले, ठीक है. 1 बजे आप सो रहे हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पुश करना पड़ेगा. मैंने भी किया था, मेरी तबीयत जब बद से बदतर होने लग गई, मेरा नहीं था कि मुझे मतलब निकलना है या कुछ भी, लेकिन जब बद से बदतर मेरी तबीयत होने लगी और मुझे दिख गया कि मेरी वैल्यू ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप मरते रहो, चाहे सड़ते रहो, खटते रहो, कुछ नहीं, ठीक है. हद से ज़्यादा मतलब मैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से डायग्नोज हो गई मेरी, इतनी मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब मेरी, ठीक है, मैं बता नहीं सकती. नियर डेड सिचुएशन थी मेरी. ट्वाइस आई हैड फेंटेड इन माई ओन ऑफिस. मेरी BP 90 हो गई थी, पल्स रेट मेरी इतनी कम हो गई थी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है. आई कुडंट इवन रीगेन कॉन्शियसनेस फॉर मोर देन 45 मिनट्स, ठीक है. हॉस्पिटलाइज हुई थी, उसके बाद वापस आके फिर काम को मैं करने लग गई. ये मेरी सिचुएशन थी, ठीक है. तो ऐसी चीज़ें आपको ना दिमाग को हर्ट करती हैं. आपका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ना जहाँ पे आपको हो गया हो कि बस अब बस बस अब यहीं पे बस. बहुत सारे ऐसे मैंने देखे ऑफिसर्स जिन्होंने छोड़ दिया अपनी आगे की ज़िंदगी बनाने को. मैं कोरा पे पढ़ रही थी, एक लड़का था, उसने SBI PO ज्वाइन किया 2019 में, ठीक है, और उसने 2020 में रिज़ाइन कर दिया. 2020 से 21 तक उसने आराम से एक साल का उसने रेस्ट लिया अपने दिमाग को हील करने के लिए. इतना प्रेशर हो रखा है, ठीक है, बैंक में प्रेशर कुकर बन चुके हैं. कितने सुसाइड्स हो रहे हैं देखा ही होगा आपने. फिर उसने SSC CGL दिया, ठीक है, 2022 में. उससे उसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सिलेक्शन हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ठीक है. और हाँ, मीनवाइल उसने CHSL से पोस्टल असिस्टेंट की भी जॉब निकाली थी, वो भी उसने छोड़ दी थी,
ठीक है, 6 महीने करके, तो लोग ऐसे भी हैं, तो थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा। एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। आप चाहे लंच टाइम में से निकालिए, चाहे आपके पास 2 मिनट भी फ्री टाइम है, फ़ोन में से PDF निकाल के पढ़ते रहिए। मैं करती थी, ठीक है, दिमाग चाहे फटने को आए, कुछ भी है, दवा खाइए, कैसे भी करिए, करना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइम आपको निकालना है, 9 से 12 अगर आपने वहाँ निकाल लिया और सुबह 2 घंटा पढ़ लिए, तो भी आप 5 से 6 घंटा दिन के निकाल रहे हैं ना, बहुत है। सैटरडे संडे पूरा लग जाइए पढ़ाई पे, पार्टी वार्टी सब बंद करिए, बाहर घूमने बंद कर जाना बंद करिए, मूवी वूवी पे जाना बंद करिए, मूवी वूवी बाहर घूमना, तब मेरी बातें कड़वी लगेंगी बट सच है, ये तब हो जाएगा जब आप जिस दिन एक काबिल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। काबिल पोजीशन इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि आप अभी काबिल नहीं हो, मैं अभी भी काबिल हूँ, बट जो चीज़ आपको चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे मेरी हेल्थ देखनी है, मुझे वो चाहिए, ठीक है, मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगी, उसके बाद मैं सब कर लूँगी, ठीक है। आई बात समझ में, मेरी बात समझ रहे हैं? अब दूसरा, तीसरा केस आता है, जो बच्चे मेरी तरह बीमार हैं, जिनका न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत बच्चे हैं, मेरा चल रहा है, ठीक है। तो मेरा ये हाल था कि मेरी ये सिचुएशन थी, मैं आपको बता दूँ कि मैं एडमिट थी, हॉस्पिटलाइज थी, उसके बावजूद मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती थी, जो मैंने पढ़ा था वो मेरा दिमाग चलता रहता था, ऐसा मैंने अपने आप को ट्रेन किया हुआ था। मैंने बोल रखा था मेरे बगल में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ो, नर्स को बोला हुआ था मैंने, तो मैंने एक एक मिनट अपना यूटिलाइज़ किया है, दैट्स वाई आई एम हेयर, इस पोजीशन पे हूँ। नर्स को बोल देती थी आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मुझे पढ़ के सुनाते रहो, ठीक है। जनरल पढ़ना हो गया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी जाना, सबसे पहले न्यूज़ देखना क्या है, इकोनॉमिक न्यूज़ हो गई, फाइनेंस की न्यूज़ होगी, क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी न्यूज़ को पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, काम तल्लीनता से करना, जितने टाइम कर रही हूँ पूरे तल्लीनता से करना, ठीक है। मतलब रात में 9:30, 9:30 भी बज जाते थे मेरे को, तो रात में 2:00 भी बजे ऑडिट्स के टाइम पे, रात में 2:00 भी बजे मुझे, और फिर सुबह 6 बजे पहुँच जाना होता था ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सिचुएशन होती थी, उसके बावजूद जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम था उसमें मैं अपना निकालती थी टाइम, ठीक है। जो भी टाइम मिल रहा है, जहाँ भी मिल रहा है, 5 मिनट भी रेस्ट करने को मिल रहा है, वो भी मैं कर रही हूँ यूटिलाइज। तो ऐसे था क्योंकि और तो टाइम बचा ही नहीं है ना। आप सीखे वो GMCH से जो डॉक्टर बनी, उसने बोला ना, वो 15-15 मिनट निकालती थी अपने ड्यूटी शेड्यूल से, जो कोविड में ड्यूटी में पोस्टेड थी वो, ठीक है। डॉक्टर्स और बैंकर्स और कुछ एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यही लोग थे जो कोविड में बंद नहीं हुआ, बाकी सबने मजे मारे, आई एम सॉरी टू से बट मजे मारे, यही 2 डिपार्टमेंट्स 3 डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने मजे नहीं मारे, ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए, पुलिस विभाग ने भी मजे नहीं मारे, ठीक है। तो वो बच्चे कितना मतलब करना पड़ता है, तो वो डॉक्टर अगर 15-15 मिनट निकाल रही थी अपनी ड्यूटी में से, फिर उसके बाद रात में भी आके पढ़ रही थी 2 घंटा, तो भगवान जी आपकी मेहनत कहीं ना कहीं सफल करते हैं। मैं हूँ आपके सामने बैठी हुई, ठीक है, इतनी बीमारियों से जूझती हुई, ECG पता नहीं क्या क्या हो गया, इको टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गई, ठीक है। उसके बावजूद ट्रीटमेंट चल रहा है, साइकोथेरेपीज चल रही है मेरी, ठीक है, साइकोमेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बैठी हूँ सामने, ठीक है। आए दिन मेरी आवाज़ चली जाती है आपके सामने, स्पीच इंपेयरमेंट हो जाता है, बोल नहीं पाती हूँ मैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा मेरा बिल्डअप हो जाता है, अभी भी थेरेपीज के टाइम पे सर फटने को होता है, ठीक है। क्रॉनिक माइग्रेन मेरा पकड़ता है, लेफ्ट साइड से मेरी आई साइड बंद हो जाती है, आवाज़ मेरी चली जाती है, फिर जब हील होती हूँ धीरे धीरे अपने आप वापस आ जाती है। मेरी सिचुएशन देखिए, येट आई एम नॉट लाइक एक्सेप्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस कमिंग फ्रॉम माई ओन साइड, मैं देती ही नहीं, ठीक है, मुझे हार मानना आता ही नहीं, ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब बात आती है जो स्टूडेंट्स हैं घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके पास तो टाइम ही टाइम है, आप थोड़ा लेजर एक्टिविटीज़ कम कर लो, ठीक है, थोड़ा टाइम मतलब बाहर देना थोड़ा कम करके घर पे बैठ के बतिया लो, अपने पेरेंट्स के साथ बात कर लो, लाइब्रेरी हो सके तो ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पढ़ो। आपको क्या करना है, जैसे अब सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 90 दिन का टाइम है आरओ के लिए, लेकिन हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है। मैं टारगेट दे रही हूँ तो लोगों को लगता है मैम ने बहुत ज़्यादा टारगेट दे दिया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। टारगेट ज़्यादा इसलिए है ताकि आपको लास्ट में टाइम कम ना पड़ जाए रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आपको अभी से क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पुश करना है, थोड़ा पैरेलल लेके चलनी है पढ़ाई, जैसे टॉपिक्स जो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात बताती हूँ, जैसे करंट अफेयर्स हैं आज के टाइम में, मान लीजिए इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी बॉर्डर्स के साथ GS पेपर के साथ आपका मैच करता है, तो हम उसको ऐसे तैयार कर लेंगे, तो ये टाइम बचेगा हमारा मेंस की तरफ से भी, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ UPPCS और UPSC वालों के लिए, आरओ वालों के लिए वही चीज़ आ जाते हैं, आरओ वालों के लिए हिंदी बहुत बड़ा वो करेगा मैटर। तो जैसे आपने GS पढ़ ली, 3 घंटा GS पढ़ ली, बोर हो गए, बस आधे घंटे का रेस्ट लीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा की बजाय आधे घंटे का रेस्ट लीजिए, फिर हिंदी उठा लीजिए, हिंदी थोड़ा इंटरेस्ट बनाएगी आपका, हिंदी पढ़ने में भी मज़ा आता है, थोड़ा इंटरेस्ट बनाएगी, हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। आपने हिंदी पढ़ी, आपने हिंदी पढ़ ली, ठीक है, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा नेक्स्ट आप क्या करोगे, साइंस उठा लीजिए, ठीक है। साइंस के आप क्वेश्चंस लगा लीजिए, कोई भी क्वेश्चंस इन जनरल आप क्वेश्चन लगा लीजिए, वो थोड़ा सा आपका माइंड बकलब करेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम मैनेज होगा, आप ना रेस्ट करने की बजाय लेटे लेटे ही आप क्वेश्चंस कर लीजिए, लेटे लेटे क्वेश्चंस करिए, उससे होगा क्या कि आपका आराम भी कर पा रहे हो, आपको आराम से क्या हो रहा है, आप मनन कर पा रहे हो चीज़ों का, और आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले जा रहे हो। तो इससे क्या हुआ, आपने अभी GS पढ़ा, फिर थोड़ी देर हिंदी पढ़ लिया, थोड़ी देर आपने साइंस के क्वेश्चंस लगा लिए क्योंकि हमने साइंस अभी कंप्लीट किया, तो इससे क्या होगा, आपका जो लेजर टाइम है ना, जो रेस्ट का टाइम है, वो भी आपका यूटिलाइज हो जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, लेजर टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, है ना।
तो इस हिसाब से आप एक एक मिनट अपना यूटिलाइज कर पाओगे। मान लीजिए आप खाना खाने बैठे तो आप एक काम कर लीजिए, कई बच्चे होते हैं जैसे पेरेंट्स के साथ बाद में बात करते हैं, खाना खा लिया और उसके बाद अपना टाइम निकाला, तो मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, आप खाना खाने के साथ साथ न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहा करिए, ठीक है। खाना खाने के साथ न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए या खाना खाते टाइम अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए साथ ही साथ, ठीक है। कोई आ गया, मान लीजिए रिलेटिव्स आ गए आपके घर में, आपको उनसे बात करनी है, बातें करते करते आपने न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ने लग गए, तो ये है टाइम मैनेजमेंट। दिस इज़ एक्चुअली नोन एज टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज आपको खुद ही करना है, ठीक है। रिलेटिव्स आगे, टाइम आपका लग रहा है बर्बाद हो रहा है, आपको लग रहा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। नहीं कर सकते रिलेटिव्स, एक एक दो दिन की बात है, उसी टाइम आपने निकाल के न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, या मान लीजिए रिलेटिव्स आ गए हैं 3-4 दिन के लिए घर पे ही रुक रहे हैं, आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, बोल दीजिए एग्जाम वगैरह है थोड़ा सा, प्लीज़ आप, उनको थोड़े टाइम के लिए बुरा लगेगा लेकिन जिस दिन आप अधिकारी बनोगे उस दिन उनको भी बहुत बढ़िया लगेगा कि अरे वाह, मेरा हमारा भतीजा, हमारा भांजा, हमारी भांजी, ठीक है, ये देखो मेरा नाती, मेरा पोता, ये बने ऑफिसर, उनको भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे आपको टाइम मैनेज करना है, बीच बीच में से आपको टाइम निकालना है। 3 घंटे आपने जैसे मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग का टाइम ना सबसे बढ़िया होता है, ब्रह्म मुहूर्त में एक तो उठना सीखिए, उस टाइम पे आपका 1 घंटे की पढ़ाई रात के 2 घंटे के बराबर होती है। तो सबसे पहले आप जीएस उठा लीजिए, जीएस क्योंकि थोड़ा लंदी सब्जेक्ट होता है, थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन सुबह इंटरेस्ट बनता है, तो सुबह हमेशा शुरुआत करिए जीएस सब्जेक्ट को पढ़ने की। सबको बोल रही हूँ, सबको बोल रही हूँ, ठीक है, जो भी चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सुबह उठना ही उठना है, किसी के पास ऑप्शन नहीं है, जो नॉन वर्किंग है वो भी सुबह उठिए ही उठिए, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट सुबह निकलता है। जीएस उठाइए सुबह सुबह, जीएस उठा लिया, वर्किंग प्रोफेशनल्स अपना चले गए ऑफिस में, वहाँ उठा के करंट अफेयर्स की पीडीएफ उठा के पढ़ लीजिए, ठीक है। आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ उठा के पढ़ रहे हैं, जो बच्चे घर पे हैं, नाश्ता कर लिया, खाना खाते खाते नाश्ता करते करते न्यूज़पेपर पढ़ लिया, फटाक से आके बैठ गए हिंदी पे, ठीक है, हिंदी पे दे दिया 1 घंटा, फटाक से अपना फिर आधा घंटा रेस्ट किया, उसी उतनी देर में पेरेंट्स से बात कर ली, कुछ देख लिया, कुछ अभी रिसेंट अपडेट आई है क्या, कोई क्वेश्चंस वगैरह आए हैं क्या, कुछ और चीज़ें ग्रुप्स वगैरह देख लिए जो भी हैं, ठीक है, फटाक से पढ़ने बैठ गए। अब क्या करना है, अब हमने फिर जीएस में नेक्स्ट टॉपिक करना है, जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ लिया था, हिस्ट्री का थोड़ा ही टॉपिक कर पाए होंगे, दोबारा से अब हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक पे, 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, अब नेक्स्ट टॉपिक 2 टॉपिक करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, मिसलेनियस पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई ज़रूरी नहीं है, जो मैं टारगेट दे रही हूँ आप उसी हिसाब से फॉलो करिए, बट अगर आपको नहीं समझ में आता आप मिसलेनियस उठा लीजिए, पढ़ाई आपको करनी है, कैसे भी करके आपको सिलेबस कंप्लीट करना है टिल January 1st week, ठीक है, तो वो आपके हाथ में, अभी भी टाइम गया नहीं है। ज़्यादा मुश्किल लगती है घटना चक्र उठा के कर लीजिए, डायरेक्ट घटना चक्र उठा लीजिए, लूसेंट साथ में रेफरेंस के लिए रख लीजिए, मत पढ़िए पूरी लूसेंट, लूसेंट साथ में रेफरेंस के लिए रख लीजिए, ठीक है, बट घटना चक्र पूरी होनी चाहिए भाई, कोई एक बुक तो, 2 बुक तो करो ना पूरी तरीके से, सारी चीज़ें हटाने को बोल दी मैंने, सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट करिए, ठीक है, लेकिन करिए तो, है ना, तो ऐसे करना है आपको। फिर दो घंटा आपने जीएस को दिया, फिर जब आधा घंटा रेस्ट कर रहे हैं उतनी देर में हमने क्या कर लिया, आंखें बंद करके थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया जो हम पढ़ रहे थे, सारी चीज़ें ऐसे, हाँ लेट गए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, लेट गए, अच्छा ऐसे ये बैटल हुई थी, ये हुई थी, ये हुई थी, बट अपने भाई बहन के साथ डिस्कशन कर ली, हो गया, आधे घंटे बाद वापस आके बैठ गए फटाक से, फिर अब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ऐसे हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैं अपना कैसे टाइम मैनेज करती हूँ, एक बार मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँगी, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूँगी प्रॉपरली कैसे क्या रहती हैं चीज़ें, आई होप उससे काफ़ी हेल्प मिल पाए आपको, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मैं एक बार लिख के आपको दे दूँगी प्लानर में, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, तो आई होप उससे समझ में आएगा, ठीक है। पढ़ना आप ही को है, करना आप ही को है, कैसे करना है वो आप देखिएगा। मुझसे मोटिवेशन वाली सीरीज़ भी मांगी गई थी कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कैसे दूर करना है, बहुत बार बार फेल हो रहे हैं मैम, तो उससे आगे पढ़ने का मन नहीं लगता, तो क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। UPPCS 2024 की स्ट्रेटेजी, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आई विल बी कवरिंग इट अप, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। पेड मेंटोरशिप ग्रुप बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, बट प्लीज़ एक वैलिड रीज़न बताइएगा कि अब तक आपको कैसे नहीं पता लगा, बिकॉज हाँ बहुत बच्चों ने भेजा है कि वहाँ पता नहीं लगा, तो इसलिए तो जेनुइन रिक्वेस्ट आई एम एक्सेप्टिंग, मुझे मेल करिए incivilservices28@gmail.com पे, तो आई विल ऐड यू अप, ठीक है। मामूली सी फीस है 99 रुपीज़, मुश्किल भी नहीं है, एंड दैट इज स्ट्रिक्टली फॉर RO प्रीलिम्स 2023 एंड UPPCS प्रीलिम्स 2024, बट UPSC के रिगार्डिंग भी हम लोग उसमें लेक्चर्स लेते हैं, मैंने CSAT मतलब उसमें CSAT के भी लेक्चर्स लगे थे, तो उसमें डाउट सेशन रहता है, आप कुछ भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है बैच, ठीक है, 100 बच्चों के अराउंड कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप देख ही सकते हैं इतने कम टाइम में, ठीक है, काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है। बस अपना ट्रस्ट बनाए रखिए मुझ में, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए या मेल करिए aimcivilservices28@gmail.com पे। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी यूपी स्पेशल सीरीज मैंने स्टार्ट की है रात में 9 बजे वाली, वो प्लीज़ आप वीडियोस देख लीजिए, ODOP GI टैग्स एंड UP स्टेट अवार्ड्स मैंने कवर किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।